बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मस्जिद अक्सा शरीफ की मेन एंट्रेंस है और उसी के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं जो मस्जिद अक्सा शरीफ का कदीमी हिस्सा है। आइए उसकी ज्यारत आपको करवाते हैं जहां मेहराब जक्रिया है, मुख्तलिफ बरकत वाले ये मकाम है। और ये नीचे ओरिजिनल असल जो मस्जिद थी पहले, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखें कितनी सीढ़ियां नीचे उतरकर यहां से जाना पड़ता है, और जब इन सीढ़ियों से उतरते हैं तो ये मस्जिद शरीफ की कदीमी, ये आप दीवारें देखें, ये ऊपर देखें पत्थर का काम, और ये वो हिस्सा है जो कदीमी मस्जिद है। अब जो मस्जिद इसके ऊपर है वो न्यू उसकी तामीर है, लेकिन वो भी काफी पुरानी है। बहरहाल ये वो मस्जिद शरीफ है, बरकत वाली मकाम है, जगह है। हाँ जी, हाँ जमात होती है यहाँ बाकायदा, और रमजानुल मुबारक के दिनों में एतकाफ यहाँ पर होता है। जो हजरात एतकाफ करना चाहते वो इस हिस्से में होते हैं, नए वाले हिस्से में ऊपर बाकी नमाजी होते हैं, लेकिन अवामुन्नास जो एतकाफ फरमाती है यहाँ वो इस हिस्से में। और ये माशाल्लाह नीचे है, और अभी इससे भी और हम नीचे जाएंगे, उससे आपको अंदाजा होगा कि असल मस्जिद कितने नीचे मकाम पर मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं उसकी दूसरी जानिब है, यहाँ ख्वातीन नमाज पढ़ती हैं। ये अभी सीढ़ियां हम और कितनी यहाँ नीचे उतरेंगे, तो ये काफी डीप है। और इसमें आप ये पिलर देखें जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों से तामीर करवाई, इन पत्थरों को, इन पिलरों को भी इन्होंने महफूज किया है साथ नई एक्सटेंशन करके। और यहीं नीचे पुराने हिस्से में ये आप देखें पुराना जो तामीर है उसकी कुछ, ये आप इसे देखें तो आपको अंदाजा होगा। ये सामने मकतबा है, लाइब्रेरी है यहाँ इस हिस्से में, और उसके साथ ये बड़े बड़े पत्थर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नात की तामीर थी। आप अंदाजा कर सकते हैं अभी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तीन चार पत्थरों पर ये, और फिर उसके साथ ये पिलर है। और ये अंदर यहाँ लाइब्रेरी है, और इसके साथ फिर ये जो मकाम है, ये जो आपको मेहराब नजर आ रही है, अब ये देखें ये पिलर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम की पत्थर हैं। यकीनन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये मेहराब है, दो रिवायात हैं इस मेहराब के बारे में, एक तो ये कि ये सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब है जहां आप इबादत फरमाते थे, और एक रिवायत ये भी है जहां के लोग कहते हैं कि यहाँ मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबियों की इमामत फरमाई। तो इस जगह के बारे में दो रिवायात हैं, लोग यहाँ आते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ये आप पत्थर देखें कितने बड़े बड़े हैं। इसके साथ फिर ये एक कमरा है, और ये ओरिजिनल असल मस्जिद अक्सा शरीफ का हिस्सा है। और ये कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए, और इसी में ये एक कुआं है। पहले जब मस्जिद शरीफ के अंदर शायद आपको कुछ नजर आ सके, ये देखें, ये वो कुआं बनाया गया था जो जैतून का तेल जमा करने के लिए था, जब मस्जिद में जैतून के चिराग जला करते थे। तो ये कुआं यहां बनाया गया था, लोग डोनेट करते थे, जब आते साथ कुछ ना कुछ जैतून का तेल लाते, ओलिव ऑयल लाते, यहां डोनेट कर देते जो मस्जिद के चिरागों में इस्तेमाल होता। तो ये मस्जिद शरीफ का पुराना हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का सदका हम इस मकाम पर हाजिर हैं। खुदा बंदे कुद्दूस नबी रहमत अलैहिस्सलाम का सदका, जितने भी हजरात ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए, सबकी हाजात को पूरा फरमाए, सबकी बीमारियों को शिफा में तब्दील फरमाए, सबको दीन और दुनिया की बरकतें अता